Assalamu alaikum viewers, thank you to Health Matters for asking me ki ji is those sensitive topics pe baat karne ke liye. Mera naam Dr. Kamran Qureshi hai and I work as an aesthetic dermatologist and we are the only boutique aesthetic hospital in Pakistan right now. I am leading the team. I work in the area of aesthetics basically and some skin issues. Mere saath dermatologist bhi hain jo ke saath mein kuch aur kaam kar rahe hain. Aaj ke jo do topics mujhe kaha gaya hai ki main aapko thodi si awareness doon un pe. Pehli baat to hai acne. Acne ek bada predominant masla hai aur na sirf ye young logon ko hota hai balki ye adult acne bhi hoti hai. एक्नी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक्नी में बेसिकली चेहरे पे, कमर पे, बॉडी पे, किसी जगह पे भी दाने निकलते हैं और ये दाने जो हैं ये कई दफ़ा निशान भी छोड़ देते हैं. लोगों को इस एक्नी के प्रॉब्लम से बड़ी परेशानी रहती है. मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जो कि एक्नी के प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन मांग रहे होते हैं. एक्नी बेसिकली आपके जो यहाँ पे चेहरे पे या किसी जगह भी हमारी ज़ुबान में उनको पाइलोसिबेशियस यूनिट्स कहते हैं. इनके अंदर जब आपका ये गुदूद या सीबम जो है वो फंस जाता है तो उसके बाद इसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ ले लेते हैं और वो दानों के फॉर्म ले लेते हैं. अब छोटे छोटे दाने भी निकलते हैं, कुछ बड़े दाने निकलते हैं. कई किस्म की एक्नीज़ हैं जिसका मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन हम ज़्यादा ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे ना कि एक्नी की डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर. अब ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो आपको अपना ट्रिगर फैक्टर ढूंढना है. अपने ट्रिगर फैक्टर से मुराद ये है कि किस चीज़ से आपको एक्नी ज़्यादा होती है. एक्नी के दानों को हाथ ना लगाइए क्योंकि इससे निशान पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तीसरी चीज़ ये है कि आप अपनी आयरन और इन चीज़ों का कंट्रोल रखिए ताकि एक्नी धब्बे ना छोड़े. अब निशान दो किस्म के होते हैं, एक खड्डे पड़ सकते हैं, पेट्स इनको कहते हैं, स्कार्स कहते हैं, और दूसरे निशान होते हैं, एग्जांपल थोड़ी सी डार्क एंड स्किन हो जाती है. दोनों के इलाज में थोड़ा सा फ़र्क है. तो सबसे पहले मैंने आपको जो चीज़ बताई कि आप अपना ट्रिगर फैक्टर ढूंढिए कि किस चीज़ से आपको एक्नी हो रही है. दूसरा, स्किन की बेसिक क्लिनजिंग को ज़रूर ख्याल रखिए. और स्किन की क्लिनजिंग की जब मैं बात करता हूँ तो अगर तो आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई है तो उसको मॉइस्चराइज कीजिए, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर हमने उस ऑयल को या सीबम की प्रोडक्शन को रोकना है. अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं? बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे फेस वॉशेस हैं, लेकिन हर फेस वॉश जो आपको मार्केट में मिलता है वो मेडिकेटेड नहीं होता, और हर प्रोडक्ट ये क्लेम करता है कि उससे एक्नी चली जाती है. ऐसा होता नहीं. तो आप अपनी स्किन को खुद से समझिए. जो अपनी स्किन को खुद से समझ लेगा उसके अंदर एक्नी को कंट्रोल करने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं. ख्वातीन में हार्मोनल एस्पेक्ट भी देखा गया है और मर्दों में भी देखा गया है. हार्मोनल से मुराद ये है कि कुछ हार्मोन्स की अंदर जब चेंजेस आ जाते हैं तो उससे एक्नी के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो अगर ऐसा कोई मसला है तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो कोई ना कोई आपको इसका सोल्यूशन दे सके. एक्नी के दानों को छीलिए हरगिज़ नहीं, क्योंकि एक्नी के दानों को अगर आप छीलेंगे तो उससे निशान पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बहुत सारे लोग उसको छीलते रहते हैं और उसकी वजह से बाद में उनको खड्डे में पड़ जाते हैं वहाँ पे, और उन खड्डों को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है. एक्नी में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत रोल प्ले करते हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर से मुराद है ये डस्ट और बाकी सारी चीज़ें. और मेकअप एक और चीज़ है जिसका आपने बहुत ख्याल रखना है. एक तो ओवरनाइट मेकअप ना पहनिए, और दूसरा ये कि ये देखिए कि किसी मेकअप से आपके स्किन के साथ कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं हो रहा. अगर ऐसा कुछ होता है तो फौरी तौर पर उस मेकअप ब्रांड को चेंज कर लीजिए. ये हमारी स्किन जो है ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और इस बड़े ऑर्गन के अंदर कोई भी चीज़ जब बॉडी के अंदर आगे पीछे होती है तो ये ऑर्गन अफेक्ट होता है, और इसके अफेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इसलिए ये भी देखिए कि आपकी खुराक अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, और आप एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपरली करते हैं, तो इससे आप अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, जिससे आपको डेफिनेटली एक बेहतर फ्रेश स्किन मिलेगी. एक लास्ट बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक्नी से घबराइएगा नहीं. एक्नी कंट्रोल की जा सकती है. कोई बंदा अगर आपको ये कहे कि एक्नी को
बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है, ये श्योरिटी दे कि जी हमेशा कभी भी एक्ने आपको नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दवाइयों में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं हमारे पास, जब लोग आते हैं या आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो वो आपको दवाइयाँ देंगे, और उसमें काफ़ी सारी एक अप्रोच है कि पहले आप टॉपिकल्स जो कि स्किन पे लगाने वाली दवाइयाँ, उसके बाद खाने वाली दवाइयाँ और या उनका कॉम्बिनेशन, इससे हम आपकी एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं। एक दवाई जिसका मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा बग़ैर डॉक्टर की इजाज़त से, और ख़ास तौर पे डॉक्टर में भी डर्मेटोलॉजिस्ट की इजाज़त के बग़ैर उस दवाई को काइंडली इस्तेमाल ना कीजिएगा, वो है आइसोट्रेटिनॉइन, क्योंकि इसके खाने से कुछ ऐसे मुज़र असरात हैं जो कि कंट्रोल या जानिए बग़ैर इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि किसी की एक्ने किसी चीज़ से कंट्रोल हो गई तो उसने किसी और को बता दिया। प्लीज़ याद रखिए, आपके साथ और आपके अगर हामला ख्वातीन उनके बच्चों तक को अफेक्ट हो सकता है इस दवाई के लेने से। तो इसके लिए मैं स्पेशली आपको बार बार कहूँगा कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू किए बगैर इस दवाई को बिल्कुल ना लीजिएगा। और ये कि बहुत सारे आजकल क्लिनिक्स क्रिएट हो गए हैं जो कि आर नॉन डॉक्टर बेस्ड क्लिनिक्स, लेकिन वो अपने नाम के साथ बहुत सारे लोग डॉक्टर लिखते हैं, तो काइंडली कोशिश कीजिए इन जगहों से भी इज्तनाब करें, क्योंकि आपके ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं उनसे एक्ने के बढ़ने के चांसेस हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ समाप्त करूँगा इस पूरी बात को, एक्ने को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ट्रिगर फैक्टर्स को जानिए, कौन से ट्रिगर फैक्टर्स हैं। अगर चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं उससे आपको एक्ने बढ़ती है तो चॉकलेट से इज्तनाब कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, अगेन डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और इनके अंदर भी कई दफ़ा इनको से बहुत सारे मसाइल क्रिएट होते हैं। इसके अलावा बेसिक क्लिनजिंग ऑफ द स्किन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसको ऑयली कीजिए, ऑयली है तो उसको ड्राई रखिए। एक न्यूट्रल बेस पे हमें अपनी स्किन चाहिए है, और आप देखिएगा कि आपकी एक्ने दिनों में कंट्रोल हो जाएगी। और अगर उससे भी नहीं होती और अच्छे फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए, एंड अगर उसके बावजूद भी आपकी एक्ने कंट्रोल में नहीं है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, और डॉक्टर्स में आपके जनरल प्रैक्टिशनर से लेके आपके डर्मेटोलॉजिस्ट तक पाकिस्तान में हर किस्म का डॉक्टर अवेलेबल हैं, उनके पास जाइए। इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे ना सिर्फ प्रिवेंशन बल्कि आगे इसके क्योर की तरफ भी हम जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।